नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल मिस्टिक पंडित पे। और दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा था पुनर्वासु नक्षत्र के बारे में। ये दोस्तों बहुत ही ऑस्पिशियस नक्षत्र होता है। इसकी लॉर्डशिप दी जाती है जुपिटर महाराज जी को। और ये बनता है दोस्तों 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री मिथुन या कि जेमिनी राशि के अंदर, और साथ में 1 डिग्री से लेके 3 डिग्री कर्क राशि कैंसर राशि के अंदर। और दोस्तों, मैं हमेशा से कहता हूँ, अगर आपको अपने नक्षत्रों के बारे में नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डालता हूँ। उस लिंक पे अगर आप अपनी बेसिक डिटेल जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि आप किस नक्षत्र में बॉर्न हुए हैं। और उसी तरह आप कोई सी भी मेरी नक्षत्रों के सीरीज की वीडियो देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के ट्रेड्स क्या होते हैं, किन प्रोफेशंस में होते हैं या किन प्रोफेशन में उनको जाना चाहिए, और साथ ही साथ क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी जुड़े हुए हैं इस नक्षत्र के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, तो ये इतना ऑस्पिशियस नक्षत्र है दोस्तों कि रामचंद्र जी का भी जन्म इसी नक्षत्र में ही हुआ था। और ये नक्षत्र के जो भी लोग हैं बहुत ही क्लीन हार्टेड होते हैं, केयरिंग नेचर के होते हैं, शेयरिंग करने की इनको बहुत अच्छी आदत होती है, और साथ ही साथ ये सच्चाई को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। और अगर इनको सच्चाई का इन्वायरमेंट नहीं मिलता है तो ये बहुत आसानी से अनकंफर्टेबल और मूड स्विंग्स की सिचुएशंस के अंदर आ जाते हैं। ये तकरीबन हर चीज़ में बेनिफिट के लिए ही सोचते हैं। और दोस्तों, इसी प्रकार करके ये ज़्यादातर ऐसे प्रोफेशंस में होता है जहाँ पे थोड़ी केयरिंग होती है, जहाँ पे थोड़ी नरिशमेंट होती है। तो देखेंगे, अगर आप इन लोगों को, ज़्यादातर ये टीचर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, मैनेजमेंट गुरुज होते हैं, स्टेज आर्टिस्ट होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, इन सब फील्ड के अंदर ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। अब अगर अपन बात करते हैं कि ये लोग किस तरह से नेगेटिव एस्पेक्ट को भी फेस करते हैं, इनके लिए दोस्तों बिजनेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि कभी ना कभी हमें किसी लेवल पे जाके कुछ अपने ऊपर जब इतनी प्रॉफिटेबिलिटी या लॉस का एस्पेक्ट्स आता है तो हमें मैनिपुलेशन भी कभी ना कभी करनी पड़ती है। तो फिर ये लोग या तो उसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं या उसके अगेंस्ट होते हैं। एंड सेकेंडली दोस्तों, ये लोग थोड़े मल्टीटास्किंग के अंदर बहुत अच्छे नहीं होते हैं। ये अपनी एजुकेशन और अपने प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से पकड़ के चलते हैं। तो इसी करके इनसे मल्टीटास्किंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम दोस्तों देखते हैं, किसी प्रकार भी इनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना दोस्तों, तो मेरे हिसाब से दो रेमेडीज ज़रूर करना। वैसे तो रेमेडी हमें पदों के हिसाब से करनी चाहिए, और पुनर्वसु के चार पद होते हैं। सबसे पहला रूल होता है मार्स, फिर वीनस, फिर मरकरी एंड फिर मून। चार पदों के ये मालिक बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग के एनालिसिस करके ही हमें रेमेडी बतानी चाहिए। पर जो मैं आपको ये रेमेडीज़ बता रहा हूँ, ये एक जनरल रेमेडीज़ हैं, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा और कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, दो बहुत अच्छी रेमेडीज़ क्या हैं इन सब के लिए। सबसे पहली रेमेडी है कि आपने किसी प्रकार से भी आपने किसी को लोन नहीं देना, कर्जा नहीं देना, गारंटर। तो दोस्तों, दूसरी रेमेडी है, विल्लोर तमिलनाडु में टेम्पल पड़ता है वानी यम्बाड़ी। इस टेम्पल में अगर आप विजिट करते हैं साल में एक बार, तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र के लोगों को ये दो रेमेडी बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकती है। और दोस्तों, किसी प्रकार से भी आपको मेरी ये वीडियो या कोई और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल मिस्टिक पंडित को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।